right? जानता हूं कई सवाल हैं तुम्हारे पास, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। आप आ तो गए हैं मुझे लेने, लेकिन मेरे जाने का वक्त अभी नहीं आया। ऐसा क्यों कह रही है? आखिर इस जलील दुनिया में क्यों वापस लौटना चाहती है जहां इतनी बेरहमी बसती है? क्योंकि उस दुनिया से अब भी कुछ हिसाब करना बाकी है पापा। वो लोग जिन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उन लोगों से उनका सब कुछ छीनना बाकी है। तुम मर चुकी हो सायरा। मर चुकी हूँ? नहीं पापा, मौत की दहलीज पे खड़ी हूँ और ये दहलीज मैं तब तक पार नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरा बदला नहीं मिल जाता। 给我快！ 我们去亚宾西服塔，我张一清吧。
जिंदान जिंदान हाउदा क्यों नहीं है सारा है? देख ऐसा तू बार बार करेगी ना तो हमारा बिजनेस तो बर्बाद प्लीज मत जा प्लीज तुमने कोशिश कर ली ना मेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ तेरा बुरा वक्त तभी शुरू हो गया था जब तूने मुझसे पंगा लिया पर्सनल नहीं कुछ धंधा है करना पड़ता है रेपुटेशन का सवाल है ना मैंने भी अपना धंधा तुझे खत्म करने का बना लिया चाहे जितनी कोशिश कर ले मुझे मारने की मैं फिर भी आ जाऊंगी तुझे खत्म करने चले काम करते हैं चल तुझे अब मारने का दूसरा तरीका आजमाते हैं अब हर बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती ना कि तू बहुत बार बचे चल Hello, I'm Amit Shah. I'm a doctor here. इन्हें पता चला कि आप इंडियन हैं, तो मुझे बुला लिया. How are you feeling now? जिन हालात में तुम यहाँ पर लाई गई थीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ना पर्स, ना पासपोर्ट, ना ही कोई आईडी प्रूफ. पुलिस को बहुत प्रॉब्लम हुई ये जानने में कि तुम कौन हो, जिस कंटेनर में तुम, जिन हालात में तुम मिली थी, वहाँ से हमें पता चला कि तुम इंडियन हो. But don't worry. हमने इंडियन एम्बेसी में कॉल कर दिया है वो लोग तुम्हारे फैमिली को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से वापस इंडिया भेज देंगे श्योर ऑल गुड वैसे इस हॉस्पिटल की अथॉरिटीज और पुलिस तुमसे जानना चाहती हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था तुम्हें इतनी जख्मी हालत में किसने पहुँचाया मुझे बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? मुझे लगता है कि सदमे का याददाश्त पे थोड़ा इफेक्ट हुआ है बट डोंट वरी लेट्स गेट नॉर्मल यू विल बी ओके सून कल सुबह एम्बेसी से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए और बायोमेट्रिक टेस्ट के बाद तुम्हारा नाम भी पता चल जाएगा अगर एम्बेसी वाले यहाँ आ गए तो वो लोग जान जाएंगे कि मैं कौन और अगर वो लोग जान गए कि मैं कौन हूँ तो मुझे इंडिया वापस भेज देंगे और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा मैं ये होने नहीं दूंगी
हुई कॉमन माय रिंग रिंग फोन नानी जी फोन ना अमित हेलो मैडम आज बैंक का हॉलिडे है या सिर्फ आपका वैसे आप सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी पर क्या करूं आज कुछ पैसों की जरूरत है आई एम सॉरी सर आप प्लीज गिव मी अ चेक वन मोमेंट प्लीज लगता है हुजूर के दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है अवधि अंदाज है वहां लोग ये नहीं कहते कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं लगती वो कहते हैं कि आपकी दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं लगती हाँ थोड़ा जुकाम है और हुजूर के दुश्मन को किसी ने एंटी एलर्जी दे दी है इसलिए थोड़ी नींद आ रही है बाय द वे मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहां पर आपका जुकाम क्योर हो सकता है लेकिन वहां पर कॉफी पीनी पड़ती है आई सी तो इस जगह पे अकेले जा सकते हैं या हुजूर का कोई दुश्मन साथ आता है हुजूर के दुश्मन के साथ जो दोस्त बनना चाहता है वो जा सकता है ये मत समझना हंसी तो फंसी ये एंटी एलर्जी का असर है
लेकिन ये तो समझ सकता हूँ ना कि हंसी तो कॉफी डेफिनेटली पी सकती है. लीजिए आपकी कॉफी. थैंक यू. चलिए देखते हैं कितनी ताकत है आपकी कंपनी में. जुकाम जीतता है या आप? प्रॉब्लम ये है ना कि जब लड़का अट्रैक्टिव हो तो जुकाम भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता. लेकिन डोंट वरी, मेरे पास कुछ रास्ते हैं आपके जुकाम को भगाकर आपको और करीब लाने के. आई सी. वील सी. कॉफी. थैंक यू. दुआ है बस यही तुझसे खुदा रा, रहे ना हम रहे प्यार हमारा. सांसे भी हो चाहे सीने में हम दम, ये प्यार हो ना खत्म. दुआ है बस यही तुझसे खुदा रा, रहे ना हम रहे प्यार हमारा. सांसे भी हो चाहे सीने में हम दम, ये प्यार हो ना खत्म. सुबह वफा की अब शाम हो ना, इस जिंदगी का अंजाम हो ना. मर जाए तो भी मर के जिए हम, ये प्यार हो ना खत्म. सुबह वफा की अब शाम हो ना, इस जिंदगी का अंजाम हो ना. मर जाए तो भी मर के जिए हम, ये प्यार हो ना खत्म. हाँ बाबा, रेडी हो गई हूँ. यू कैन पिक मी. सी या. दुआ है बस यही तुझसे खुदा रा, रहे ना हम रहे प्यार हमारा. सांसे भी हो चाहे सीने में हम, I love you. ये प्यार हो ना खत्म. दुआ है बस यही तुझसे खुदा रा, रहे ना हम रहे प्यार हमारा. सांसे भी हो चाहे सीने में हम दम, ये प्यार हो ना खत्म.
सुबह वफा की अब शाम हो ना, इस जिंदगी का अंजाम हो ना, मर जाए तो भी मर के जिए हम, ये प्यार हो ना खत्म। सुबह वफा की अब शाम हो ना, इस जिंदगी का अंजाम हो ना, मर जाए तो भी मर के जिए हम, ये प्यार हो ना खत्म। जितनी दुआएं मांगी थी हमने, चमकी फलक पे बन के सितारा, सुन ली खुदा ने निकली जो दिल से हम, सदा है वही। रातों को बांधे पलकों से अपनी, ख्वाबों में तुमको Baby, you know what? You should be happy. I am not a typical wife. What? हाँ, सुहागरात से काम चला लिया और हनीमून को गायब कर। एक मिनट, calm down, sweetheart. It's not like that. हनीमून गायब नहीं किया है, सिर्फ postpone किया है, वो भी कुछ दिनों के लिए। It's a very tough time at work nowadays. Office एक दिन भी छोड़कर गया तो समझो सब खत्म हो जाएगा। Baby. शुभ शुभ बोलो, कुछ खत्म नहीं हुआ। Of course I understand. I was just teasing you. Like a typical wife. Yeah. एक बात तुम। जिंदगी में आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भी एक फैमिली हो सकती है। लेकिन इस खुशी के साथ पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर भी लग रहा है। डर? किस बात? यही कि भगवान से मेरी ये खुशी छीन ले। कोई नहीं छीनेगा तुमसे ये खुशी। नी हाओ जिंग लाए। I'm sorry father, I'm leaving. Shenji, Aizi. I don't remember who I am. Hindu. Shishi Macau. You bang Jen Bolao. The means is he Kevin. मेरा नाम केविन है। इन्हीं अजीज़ाएँ, जंग जायद से जंग। इंडिया में कहाँ रहती हो? मेरी याददाश्त चली गई है। मुझे कुछ याद नहीं है फादर। ठीक है, कुछ याद ना हो तो ना सही, यहाँ तुम आराम से रह सकती हो बिना किसी डर के। थैंक यू फादर। I was thinking of you only. और देखो मैंने कॉल कर दिया, तुमने पुकारा और हम चले आए। कहाँ आ रहे हो? जा रहे हो? वो भी चार दिनों के लिए। Some meeting, sweetheart. हम कामकाज वाले लोग हैं ना, अगर प्यार से पेट भर जाता तो मैं तो हमेशा तुम्हारी आँखों के सामने ही रहता। Baby, and you call me filmy? Just listen to yourself. अरे सच्चाई बयां कर रहा हूँ, गीता पर हाथ रखकर। रहने दो, इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम लगेगा? जिस स्पीड से चला रहा हूँ, I think max
40 minutes? Baby, please, हाँ, एक घंटा ले लो, but please धीरे गाड़ी चलाओ. सुबीर है ना साथ में? नमस्ते भाभी जी. नमस्ते, सुबीर, प्लीज इन्हें गाड़ी धीरे चलाने बोलिए. आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना साथ में, तो डरने की क्या बात. ठीक है. रोहन जी, हुकुम. प्लीज पहुँच के सेटल होके मुझे वीडियो कॉल करना. इट्स बीन 3 hours और मुझे ऑलरेडी तुम्हारी कमी महसूस हो रही है. शेक्सपियर ने कहा था बेबी, parting is sweet sorrow but without parting how to meet tomorrow. Rubbish, शेक्सपियर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था. Okay, drive safe and I love you. I love you too. हेलो, MH04E08241, ये आपकी कार है? हाँ, मेरी कार है पर मेरे हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर्ड है और वो रोहन मलिक, राइट? हाँ, रोहन मलिक, पर वो घर पे नहीं है. कौन बोल रहा है? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको जल्द से जल्द आना पड़ेगा. कहाँ आना पड़ेगा? अम्बोली पुलिस स्टेशन, इमीडिएटली. पुलिस स्टेशन क्यों? हेलो, हेलो रोहन की वाइफ है? हाँ सर. क्या हुआ? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए. देखिए, आज मुंबई पुणे हाईवे पर शाम को 6 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है. ये वहां की कुछ फोटोज हैं, एक बार आप देख लीजिए. ये फोटोग्राफ्स आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रोहन कहाँ है? और पास के गांव वालों ने उन्हें चलती हुई गाड़ी से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. I'm really sorry, वो उसे बचा नहीं पाए. मैं समझ सकता हूँ यह बहुत मुश्किल है लेकिन शनाख्त तो करनी पड़ेगी. प्रोसीजर प्लीज.
आज मुंबई पुणे हाईवे पर शाम को 6 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है। ये वहां के कुछ फोटोज हैं, एक बार आप देख लीजिए। कुणाल से बात करनी है। ओ, साहब की शिफ्ट खत्म हो गई, वो कल आएंगे। हाँ तो आप मुझे उनका पर्सनल नंबर दे दीजिए ना, मेरा नाम। ओ मैडम, पब्लिक सर्वेंट, इसका मतलब ये नहीं आपने उनकी नींद और चैन खरीद ली। सोने दो उनको, बहुत बड़े केस में बहुत देर तक बिजी थे, आप कल आ जाइएगा। हेलो भैया, यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या 6 बजे के करीब? हाँ हुआ था, वो उधर गिरी थी गाड़ी। अरे बाबा, भयानक एक्सीडेंट हुआ था, एकदम डेंजरस। इधर उस साइड गिरी होगी ना, पुणे की तरफ जा रही थी गाड़ी, काले रंग की गाड़ी थी। नहीं नहीं मैडम, इधर ही साइड हुआ था, सिंपल है। ओ उस साइड में जो लोहे की पट्टी लगी हुई है एकदम से टूटी हुई नहीं है, और इधर जिधर गाड़ी गिरा था ना उधर का पूरा पट्टी टूटेला है। अरे मैडम, झूठ बोल रहे हैं आप सब मुझसे। पहले आपके इस असिस्टेंट ने मुझसे झूठ बोला कि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है, और उससे बड़ा झूठ ये बोला गया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है। देखिए सारा जी, इस वक्त आप सदमे में, और ऐसे हालात में आप जितना आराम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप कहाँ दौड़ती भागती फिर रही हैं? खैर, हम वह बैठ के बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, आपकी जो भी गलतफहमी होगी उसको दूर कर देंगे, ठीक है? प्लीज आप आइए। तावड़े मैं ले करो, प्लीज आइए। बताइए सहरा जी, क्या बात है? सर, मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सोच समझ के उसका मर्डर किया गया है। ये क्या कह रही है सहरा जी? सी, इस वक्त आप बहुत इमोशनल हैं, और आपका इमोशनल होना भी जायज है, और हमने देखा है जब इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो अक्सर ऐसे हादसों का इल्जाम किसी और पर डालना चाहता है, और आप वही कर रही हैं। मैं इमोशनल हूँ, पागल नहीं हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी लेके आपके पास नहीं आई हूँ। सारा जी, मैंने आपसे कब कहा कि आप पागल है? मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि खैर, आप मेरी एक एडवाइस मानिए, आप कुछ समय के लिए शहर से दूर चले जाइए ताकि आप इन सब चीजों से अलग हो जाएंगे और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। सर, मैं आपकी बात मानने यहाँ नहीं आई, अपनी बात कहने आई। आप प्लीज मुझे वो फोटोग्राफ्स दिखाइए। कौन से फोटोग्राफ्स? किसकी बात कर रहे हैं आप? वही फोटोग्राफ्स जो आपने मुझे दिखाई थी एक्सीडेंट साइट वाली। अच्छा हाँ, वो फोटोग्राफ्स तो हमने फाइल में डालकर हेडक्वार्टर्स भेज दिए हैं। अच्छी बात है, आपके रिकॉर्ड्स में रहेंगे। सारा जी, आप कहना क्या चाहती हैं, आपका मतलब क्या है? सर, आपने मुझसे कहा रोहन का एक्सीडेंट शाम 6 बजे हुआ था। जी करेक्ट। सर, जब रोहन 40 मिनट दूर था ना पुणे से, तो उसने मुझे फोन किया था, और फोन रिकॉर्ड्स ये बात जाहिर कर देंगे। एनीवेज, 4:10 पे रोहन का मुझे फोन आया था, तो 5 बजे तक उसे पुणे पहुंच जाना चाहिए था। आप मुझसे कह रहे हैं 6 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो 1 घंटा वो हाईवे पे क्या कर रहा था? अपनी गाड़ी पार्क करके अपना एक्सीडेंट होने का इंतजार कर रहा था वो। देखिए सायरा जी, वो वहां था, यहां था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, इन सब बातों का हमसे क्या लेना देना, और आप हमें क्यों सुना रही हैं सब? ठीक है सर, ठीक है,
आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि मुंबई से पुणे जाने वाली गाड़ी पुणे से मुंबई वाले रास्ते पे जाके कैसे जल गई? दो लेन्स पार करके, इतना बड़ा डिवाइडर पार करके, चार लेन्स और पार करके जाके खड्डे में गिर गई। और तो और उस डिवाइडर में गाड़ी के लड़ने का निशान तक नहीं है। सर, ये या तो चमत्कार है या मर्डर है, और मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करती। मैं समझा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप पुलिस पर शक कर रही है और आप यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि आप हम पर इल्जाम लगा सके, करेक्ट? मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ। शक तो आप पे तब होगा जब आप इसके बारे में कुछ करेंगे नहीं। देखिए सायरा जी, आप इस समय गहरे सदमे से गुजर रही हैं, इसीलिए मैं आपका ये पागलपन और ये फालतू की जो बकवास है बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मुझे आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं और उल्टा हमें धमका रही। आपका जवाब तो मुझे नहीं। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं मीडिया तक जाऊंगी, अपनी बात सबको सुनाऊंगी। अब वो फोटोग्राफ्स और सच सबके सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। चूतिये लोग हो तुम लोग साले। एक काम करने के लिए दिया था तुम्हारे लड़कों को, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अरे पुणे जाने वाली गाड़ी को मुंबई जाने वाली साइड पे गिरा डाला। अरे घंटा कॉन्ट्रैक्ट ला रहे तू। उस लड़की को, वो रोहन की बीवी को सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। अब बवाल होने वाला है, अगर बचा सको तो बचा। जितना आपने मैडम के लिए काम किया है ना एचपी साहब, उससे कहीं ज्यादा हम लोगों ने किया है। वर्दी का रॉब मुझे मत छाड़ो, आपसे ज्यादा कहीं रेपुटेशन मेरी खराब हो रही है, उसकी टेंशन। चलो मैडम, तेरे को हम लोगों ने विधवा का रोल करने दिया था, क्यों खामा खा जासूसा का रोल कर रही है? कौन हो तुम लोग? अरे हमको नहीं जानते, हम वही हैं जिसने तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट किया था। लेकिन तेरा एक एक्सीडेंट में मन नहीं मारा, तब तेरा दूसरा करना होता है ना। किसके कहने पे मारा था तुम लोगों ने रोहन को? क्या लग रहा है तू पागल हो गई है क्या? तेरे को क्या लग रहा है कि तू इंटरव्यू लेगी और हम जवाब देंगे, हैं? तो फिर क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? देख, शादी को एक साल हुआ है बस, भूल जाएगी, बहुत जल्दी भूल जाएगी। एक मर्द के ऊपर आंसू बहाना तभी तक चलता है जब तक किसी दूसरे मर्द के नीचे ना सो जाओ। वैसे भी बहुत मिलेंगे। ये ले, मेरे आदमी तो ये दूर ले जाएंगे, आराम से रहना, जरूरत हो तो और मांग लेना, पहुंचा देना। जी पैसे दिखाकर तुमने मेरा इरादा और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अब तक मुझे सिर्फ शक था कि रोहन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब यकीन हो गया। तुम लोग यहाँ से मुझे दूर भेजना चाहते हो क्योंकि तुम लोग जरूर कुछ छुपा रहे हो, और अब जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेती ना कि वो क्या है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। बिल्कुल सही कहा था, ऐसी बड़ी ढीठ है। हाँ हूँ मैं ढीठ, और तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि जब मीडिया ये सब कवर करेगी ना तो तुम सब जेल के पीछे सड़ोगे, तुम्हारा ACP। तो ये जो पैसे है ना,
बचा के रखो, वकील को देने के काम आएंगे। पर लोग कहते हैं बुरे हमें, तुम्हें समझाया, पैसे दिए, अब फिर भी नहीं मानोगी तो तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, है ना? सलीम, मैडम को लिफ्ट दे दो।